हाय, माय नेम इज़ आकर सक्सेना। माय एज इज़ 31 इयर्स। और मुझे भी IBS का सिंड्रोम बताया था डॉक्टर ने व्हेन एट फर्स्ट इट स्टार्टेड। सितंबर के फर्स्ट वीक में मुझे ये स्टार्ट हुआ। सो अराउंड 8 to 10 राउंड्स ऑफ लूज मोशन मुझे एक एपिसोड में होते थे, विच वॉज वेरी पेनफुल। मतलब एट द एंड ऑफ 8 or 10th राउंड मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी कि मैं ना बैठ पाता था, ना मैं कुछ खा पाता था। कुछ भी खाना हमारे लिए मतलब इट वॉज लाइक अ पॉइजन, कि कुछ खाओ और फिर लूज मोशन स्टार्ट हो जाते थे। समझ में नहीं आता। वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ एलोपैथी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत जगह बहुत डॉक्टरों को दिखाया अलग अलग हॉस्पिटल में, बट काम नहीं कर रहा था कुछ। देन वन डे हम लोगों ने डॉक्टर वसीम चौधरी का एड देखा फेसबुक पे और प्रैक्टो के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा होम्योपैथी पहले इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरी वाइफ का था बट मेरा नहीं था। मैं आया तो था डाउट लेके मन में, लेकिन हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया दैट इज़ अराउंड 1 month बैक। एक महीने पहले हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उस ट्रीटमेंट में स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी था, जो मतलब जो 2 दिन बाद उसमें आते थे, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ के 5 दिन हुआ। तो जब हम लोग ने देखा कि डिफरेंस दिख रहा है, तो हम लोगों ने फूड के साथ भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। कुछ पहले तो ऐसा था कि कोई भी फूड खाओ, हमको कोई गारंटी नहीं थी कि ये डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। बट अब ऐसा हो गया है कि लीविंग 2-3 आइटम्स, हम लोग बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं। एंड फॉर टच फूड वो सारी चीज़ें हम लोग को डाइजेस्ट भी हो रही है अच्छे से, एंड हमारा दर्द भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। सो अभी हमने एक महीना रिलीजियसली फॉलो किया पूरा मेडिसिन जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, और इसके इफेक्ट्स अब देखने के बाद हम लोगों को, मेरा तो होम्योपैथी पे 100% ट्रस्ट बैठ चुका है। और मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि मुझे मतलब वर्ड्स नहीं है उनको डॉक्टर को थैंक्स करने के लिए, कि हम लोग की जो एक महीना पहले हालत थी और जो अभी हालत है, इसमें एवरीथिंग इज नो यू नो गोइंग प्रोसेस वाइज। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। और जो IBS के बारे में हम लोगों ने सुना था कि ये बहुत लंबा चलता है और बहुत पेनफुल भी होता है, प्रोसेस स्लो रहता है, मुझे भी लगा पेनफुल स्टार्टिंग में, लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर वसीम, उन्होंने इतना स्मूथ ट्रीटमेंट दिया हम लोगों को कि अब हम लोग काफ़ी हद तक रिकवरी मोड पे आ चुके हैं। तो अभी वही है, और थोड़ा और आगे ट्रीटमेंट चलेगा, इसके बाद ये रूट से इराडिकेट हो जाएगा। सो इट विल बी अ वेरी यू नो ब्लेसिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच।